हरे राम आदर। आज हमारा पांचवा ब्लॉग है जो भोपाल में वर्कआउट का था। सुबह सुबह हम अपना वर्कआउट करने के लिए पहले निकल गए थे वॉक करने, और भाई बहुत मज़ा आया था वॉक करने में। बहुत अच्छा लगता है भोपाल घूमने, मुझे बहुत पसंद था। बहुत कुछ ड्रीम थे मेरे भोपाल में करने के लिए, लेकिन अब देखते हैं आगे। लेकिन हम तो रह नहीं पाए। फिर हमने अपना आगे पानी वानी पी के हमने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था, और इसके अंदर करने में मज़ा आ रहा था भाई। वर्कआउट बहुत इंटरेस्ट आया था बहुत, मतलब। और ये करते रहे मेरे एक पैर में, मतलब लेग राइट साइड में मेरे तो घुटने के अंदर कुछ हो गया था, तो उसमें बहुत पेन कर रहा। अभी तक पेन गया नहीं है, वैसे की वैसे चल रहा है पेन अभी भी। तो मज़ा आ रहा था उस टाइम पे करने में वर्कआउट, तभी किया। जिद के वैसे कर रहा हूँ कुछ भी। तो सब हमने मस्त अच्छे से बॉडी स्ट्रेच वेस की, एकदम मस्त। और एकदम ठंडी भोपाल में थी भाई, मान सकते हो भाई, ठंडी है भोपाल में। फिर हमने पुशअप्स लगाए थे, और ईटे भी पुशअप लगाए थे हमने। सोचा कि फुल मारे, लेकिन इसमें ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो कैसे ऊपर से हमें पुशअप्स लगाए थे। और मतलब वर्कआउट करने में अच्छा लग रहा था बहुत। बाहर भी करो या कहीं भी करो, वर्कआउट करना ज़रूरी है। बॉडी हेल्दी होना चाहिए भाई, एकदम एकदम फुल एकदम। एक अपने बॉडी को हेल्दी रखो भाई, अच्छा रहेगा सभी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बॉडी ऐसा नहीं कि सिर्फ फिटनेस ही करो, मतलब फिट रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग बनाओ, बॉडी बिल्डिंग करो, एकदम जिम में जा सकते हैं। बस फिट रहो खुद को, सुबह सुबह वर्कआउट करो, अच्छे से एक्सरसाइज करो, इस कि हेल्थ रहो। कुछ बीमारी वगैरह मुझे तो होती नहीं है, बस अभी कुछ अलग ही टेंशन की वजह से होते रहता है मेरे को। पहले तो मुझे कुछ नहीं होता था, साल में एक बार बीमार पड़ता था मैं, वो भी बस सिर्फ बुखार होता था मुझे। उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं था, सिर्फ दिन भर खेल कूद के अपना टाइम निकाल लेता। फिर वर्कआउट करते ख़त्म करके हम फ़ोटो वोटो ले लिए थे। फिर फ़ोटो लेने पहले पोज नहीं की थी, फिर हमने बाद में फ़ोटो लिया था, फ़ोटो अच्छा ही आया था। फिर हम जिम में गए थे, जिम ढूंढते, उसका वीडियो ब्लॉग डाला था मैंने, उसको देख सकते हो। तो हमने कुछ डिलीट करके कुछ वीडियो डाला है, जो हमें डम्बल प्रेस लगाया 20 किलो वेट का उसमें। और वो भैया बहुत देख रहे थे कब से कि इतना वेट कैसे उठा, उनको लग रहा है मेरा पहला दिन है जिम का। तो मेरे को हर हम मोमेंट पर देख रहे थे। जब बेंच प्रेस भी लगाया था मैंने, तभी भी देख रहे थे कि 20 किलो का 40 किलो का ऐसे हो गया वेट, और 20 किलो रॉड 60 किलो कैसे उठा, कैसे ले रहा है इसका पहला दिन उठा कैसे, कब से देख रहा था भाई बंदा। फिर हमने बेंच प्रेस अपर में भी मारे थे 20 का डम्बल, उसके 12 सेट लिए थे, तो मतलब रिप्स 12 लिए थे। सॉरी, अच्छा लगा था करने में डम्बल प्रेस, क्योंकि हमने सिर्फ हमेशा रॉड ही लिया है, तो उसके बाद हमने ख़त्म करके फिर ट्राइसेप भी लिए थे बाद में सब उसका वर्कआउट ख़त्म करके। फिर हमने ट्राइसेप भी वेट अच्छे खासे लगाए थे, उसके बाद चला गया भैया दूसरा आया, तो सब देख रहे थे मुझे भाई। और तो जिम की फीस मैंने एक दिन की पे की थी, ऐसा मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई जिम को ब्लॉग वैसा बोलूँगा, तो भी लिए भाई जान। तो लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है, हर तरफ पैसा ही है, सब पैसे में डूबे आजकल के लोग। फिर आपने लास्ट में देखा था, इसके अंदर वीडियो बहुत मस्त आया था भाई। इसके अंदर ये सेट भी करने वहाँ पर चेस्ट के लिए था, ये मस्त था चेस्ट। फिर ख़त्म करके मैं फोटो लिया तो आईने में बहुत मस्त फोटो आया था। थैंक यू।